नमस्कार दोस्तों, पोको X6 Pro 5G स्मार्टफोन का प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम इस फोन का करने वाले हैं प्री ऑर्डर, और प्री ऑर्डर हम करेंगे एक्सचेंज के साथ, मतलब एक ओल्ड फोन को ऐड करेंगे और देखेंगे प्री ऑर्डर करके कि क्या क्या मुझे और डिस्काउंट मिल पाता है। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंडिया तक देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए, पोको X6 Pro 5G स्मार्टफोन काफी अच्छे लेवल का स्मार्टफोन है, और अभी इस फोन का प्राइसिंग काफी कम है, मतलब प्री ऑर्डर करने पर इसका प्राइसिंग काफी कम रखा गया है, और 25,000 में अभी आप इस फोन को बाय कर सकते हो, और एक्सचेंज करने के बाद और भी सस्ते में बाय कर सकते हो। किस तरीके से क्या है सभी को अभी हम जानने वाले हैं, और अभी हम एक्सचेंज करके इस फोन को बाय करेंगे। इससे पहले मैंने बताया था कि आप कैसे इस फोन को कर सकते हो प्री ऑर्डर विदाउट एनी एक्सचेंज। अभी हम एक्सचेंज के साथ देखने वाले हैं कि कैसे आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। देखिए, इस फोन का प्राइसिंग काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो 8GB का वेरिएंट है उसका प्राइसिंग है 27,000, और जो 12GB का वेरिएंट है इसका प्राइसिंग है 29,000। तो वेरिएंट काफी अच्छा खासा रखा गया है, और आपको मिलता है 2,000 रुपए का डिस्काउंट जो कि मेंशन किया गया है ICICI बैंक के साथ, और 2,000 रुपए का एक्सचेंज बाउंस भी है। नीचे में आप यहाँ पर देख पा रहे हो आ रहा होगा एक्सचेंज योर ओल्ड फोन करके। तो मैं यहाँ पर अपना एक ओल्ड फोन को सिलेक्ट करता हूँ और देखते हैं मुझे प्राइसिंग क्या देता है। तो मेरे पास Redmi K50 5G स्मार्टफोन है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूं और देखते हैं मुझे प्राइसिंग क्या दे पाता है। हालांकि यहां पर मेंशन किया गया कि आपको मिलेगा ओल्ड फोन के प्राइसिंग के साथ 2000 का एक्सचेंज बाउंस। तो हम देखते हैं अपने ओल्ड फोन को ऐड करके, बिकॉज मेरा जो ओल्ड फोन है वो काफी अच्छे कंडीशन का है। आप यहां पर देख पा रहे हो प्राइसिंग दिया है 11,250 रुपए, और इस प्राइसिंग में 2000 का एक्सचेंज बाउंस भी ऐड है, मतलब ओल्ड फोन का प्राइसिंग कुछ और था, और 2000 रुपए का एक्सचेंज बाउंस करने के बाद इस फोन का टोटल प्राइसिंग हुआ है 11,250 रुपए। नीचे में यहाँ पर कुछ कंडीशन बताया हुआ है कि अगर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम पाया गया तो आपका प्राइसिंग कम भी हो सकता है। चलिए हम करते हैं कंफर्म एक्सचेंज, और चलते हैं पेमेंट के पेज पर, और देखते हैं एक्सचेंज करने के बाद मुझे डिस्काउंट मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। बिकॉज यहाँ पर मेंशन तो किया गया कि आपको डिस्काउंट मिल सकता है एक्सचेंज करने के बाद भी, हालांकि आप यहाँ पर देख पा रहे 2000 रुपए का एक्सचेंज बाउंस मिल चुका है। हम चलते हैं पेमेंट के पेज पर और देखते हैं प्री ऑर्डर करने पर क्या मुझे और डिस्काउंट मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। आप यहां पर देख पा रहे हो दो ऑप्शन दिखेगा, बाय विथ एक्सचेंज, उसके बाद है बाय विदाउट एक्सचेंज। तो आपको टैप करना है बाय विथ एक्सचेंज अगर आपको एक्सचेंज करके बाय करना है। तो यहां पे ओल्ड फोन का प्राइसिंग उतना अच्छा खासा तो नहीं दे रहा है, फिर भी चलिए हम आपको दिखा दें कि स्टेप कैसे करना है। यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से पेमेंट के पेज पर आ चुका हूं, और इस फोन का जो प्राइसिंग मुझे और पेमेंट करना होगा वो बता रहा है 16,000 रुपए, बिकॉज मेरे ओल्ड फोन का प्राइसिंग काफी कम दिया है, हालांकि मेरा ओल्ड फोन काफी अच्छे कंडीशन का है। आप यहां पर देख पा रहे हो पेमेंट के पेज पे आ चुका हूं, और यहां पर मुझे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, मतलब एक्सचेंज करने के बाद मुझे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जिसका फुल प्रूफ आप यहां पर देख पा रहे। किसी बैंक के साथ मुझे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, इवन ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ भी मुझे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। तो यहां पर जो एक्सचेंज बाउंस है इसे आप ले सकते हो, मगर एक्सचेंज के साथ बैंक ऑफर अप्लीकेबल नहीं होगा, जिसका फुल प्रूफ आप यहां पर देख पाओगे। और आप इस फोन को एक्सचेंज करके भी प्री ऑर्डर कर सकते हो, हालांकि इस फोन का प्री ऑर्डर अभी से ही स्टार्ट हो चुका है। तो आपको बाय करना तो बाय कर सकते हो, एक्सचेंज करने के बाद बैंक ऑफर अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन आप एक्सचेंज करके 2000 का एक्सचेंज बाउंस लेकर आप इस फोन को प्री ऑर्डर कर सकते हो, इसका फुल प्रूफ आप यहाँ पर देख पाओगे। एक्सचेंज करने के बाद बैंक ऑफर अप्लीकेबल किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है, इसका फुल प्रूफ आप यहाँ पर देख पाओगे। धन्यवाद।